इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं DTU दिल्ली कैंपस के बारे में। इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, पूरा कैंपस का रिव्यू अच्छे से करेंगे। जैसे कि इस कैंपस का लोकेशन है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यानी कैंपस स्टार्टिंग आपका 1941 में कैंपस स्टार्ट हुआ था। पहला स्टार्टिंग कैंपस हुआ था 1941 में, इसका नाम था दिल्ली पॉलिटेक्निक। उसके बाद कैंपस आपका 1952 में, यानी 1992 में कैंपस का नाम चेंज हुआ, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पर डिग्री कोर्सेस आया। पहले जब कैंपस स्टार्ट हुआ था तो उसमें पॉलिटेक्निक कोर्सेस थे 1941 से लेकर 1952 के साथ, बाकी 1952 के साथ जुड़ गया डिग्री कोर्सेस। 1952 से लेकर 2009 तक इस कैंपस का जो कहते हैं इसका नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से, यानी कि 1952 से लेकर 2009 तक कैंपस दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम से थे। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी और 2009 में इसको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से इसको चेंज कर दिया गया, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। इसका पहले जो ऑपरेशन था डिग्री इसका मिलता था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो थी आपको उससे डिग्री मिलता था, लेकिन अपना इसे खुद का यूनिवर्सिटी बन गया था दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2009 में चेंज हुआ DTU के नाम से। अब इससे बात करें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है DTU का, तो DTU का हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 1.2 करोड़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वही बात करो तो आपका एवरेज प्लेसमेंट 15.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। और उसके बाद इसकी बात करो तो अभी NRF रैंकिंग जो जारी हुआ 2022 का, इसका इंजीनियरिंग का जो रैंकिंग आया है आपका 35 रैंकिंग इसको मिला है NRF रैंकिंग में। तो अभी इसमें सवाल आता है कि IIT NIT से बेटर क्यों है DTU? तो ऐसे बहुत सारे NIT IIT कॉलेज हैं जहां पर NIT IIT में आपको अच्छे प्लेसमेंट मिल नहीं पाते, लेकिन उनसे लाख गुना अच्छा है DTU कैंपस। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस कैसे है, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ज्वाइंट एडमिशन कमिटी के थ्रू यानी जैक दिल्ली का फॉर्म फिलअप करना कंपल्सरी, उसके थ्रू ही आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो इंजीनियरिंग वाले के लिए। तो ऐसे यहाँ बहुत सारे कोर्सेस है, बेसिकली हम बीटेक वाले के लिए बात करें तो जैक दिल्ली का काउंसलिंग के थ्रू ही आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। अगर प्लानिंग है आपको दिल्ली के अंदर पढ़ने का, चाहे आप अच्छे कॉलेज में हो, अगर आपका 75% से अबव आपका मार्क्स है जेईई मेंस में, तो आप DTU के लिए काउंसलिंग कर सकते हो जैक दिल्ली के थ्रू। बाकी इस कॉलेज का रिव्यू सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छे फैकल्टी है। और यहाँ से एलुमनाई की बात करूँ तो जो हमारे सेपरेट एक्टर जो थे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, यहाँ से ड्रॉप आउट किए हुए थे DTU कैंपस से। तो और भी ऐसे बहुत सारे एलुमनाई हैं जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे पोस्ट पर, कोई CEO है, कोई अच्छे जगह है, कोई एक्टर है, कोई बहुत सारे। आप जब देखोगे इसके विकिपीडिया पढ़ोगे DTU का, तो बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं DTU कैंपस से। तो अगर 75% से अगर आपका अबव मार्क्स बनता है अगर आपका जेईई मेंस में, ठीक है, तो आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू। फ्रेंड तो फ्रेंड ये बात रहा DTU कैंपस के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी कुछ और पूछना हो, डाउट्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तो मेरे से वीडियो आते रहेंगे।